हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स का IIT जेम फिजिक्स का टॉपिक, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसका शुरू करने का क्या थ्योरी है, इसमें पिछले जो टॉपिक जितने भी हमने कनेक्ट किए हैं उसमें से केवल डायोड वाला जो टॉपिक है, जो डायोड है, डायोड फैमिली हमने पढ़ी है, उसमें थोड़ा सा डायोड का टॉपिक है वो अपने को काम में आएगा। बाकी ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, बाकी और कोई टॉपिक से इससे लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने इसको शुरू किया है। तो डायोड का थोड़ा सा टॉपिक इसमें काम आएगा, तो पूरा थ्योरेटिकल है, तो पेशेंस के साथ देखें। न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, बिल्कुल भी न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें केवल थ्योरी थ्योरी है, तो पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, चलो फील्ड इफेक्ट थ्योरी। तो आप फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कंप्लीट वीडियो, थ्योरी है पूरी तो कंप्लीट वीडियो आप देखोगे। ठीक है, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को किस तरीके से स्टार्ट करते हैं वो देखोगे। तो आपके पास इसके जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ये आपके आपका दो टाइप का होता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपका दो टाइप का होता है, ठीक है, आपका टू टाइप का होता है। सबसे पहले जे इफेक्ट, ठीक है, इसका पूरा नाम जंक्शन फील्ड, जंक्शन फील्ड और इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और मैं इसको बता दूं, ये टॉपिक अपना IIT जेम के सिलेबस में नहीं है, ये अपना टॉपिक जेस्ट के सिलेबस में है, जेस्ट के सिलेबस में, TIFR के सिलेबस में और नेट के सिलेबस में। ठीक है, तो ये IIT जेम के सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमें इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से इसे कंटिन्यू करते हैं। तो आपके पास जंक्शन फील्ड ट्रांजिस्टर इसका टाइप हो गया। सेकेंड टाइप हो गया इसका MOSFET, ठीक है, MOSFET। MOSFET का पूरा नाम मेटल सिलिकॉन डाइऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, मेटल, ये आप इसकी जो जो हम इसमें यूज लेते हैं उसका नाम दे दिया इसने, यूज लेते हैं उसका, मेटल और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हम यूज लेते हैं, मेटल सिलिकॉन डाइऑक्साइड सेमीकंडक्टर का यूज लेते हैं, उसके लिए इसका MOSFET नाम दे दिया। और ये आपके पास ऑपरेशन रहता है, FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये आपके पास क्या रहता है, ऑपरेशन रहता है, इसलिए इसका नाम दे दिया। ठीक है, और जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है आपके पास, ये ऑपरेशन के थ्रू ही लिया गया है नाम, ऑपरेशन के थ्रू इसका नाम लिया गया है। ठीक है, ऑपरेशन के थ्रू इसका नाम लिया गया है। और इसके डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे आगे, इसके भी डिफरेंट टाइप होंगे, उसकी हम स्टडी करेंगे। तो पहले इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं, किस तरीके से हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं। तो देखिए, जब हम PN जंक्शन डायोड बनाते हैं तो वहाँ पर एक जंक्शन होता है, ये पी टाइप हो गया, 3D में होता है ये पी टाइप, या का पी टाइप हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, जिसकी हम डोपिंग करके इसे बनाते हैं। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, ये आपका जंक्शन हो गया, न्यूट्रल होता है ये पूरा ही, और ये एन टाइप हो गया। ठीक है, तो ये जंक्शन हो गया, यहाँ पर ये जंक्शन होगा, इसे हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आपके पास बाइसिंग होगी, ये आपका जंक्शन हो गया और इसे बैटरी से कनेक्ट किया है, तो ये आपके पास क्या हो गया, P to N करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो किस कारण होगा, देखिएगा, करंट फ्लो किस कारण होगा, जो ये आपके पास डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन
ये आपके पास क्या है, डिप्लेशन लेयर है। इस डिप्लेशन लेयर लेयर में अगर ये छोटी होगी, वाइड जो आपके पास इसकी चौड़ाई है वो छोटी होगी, तो करंट यहाँ से यहाँ तक आराम से चला जाएगा। अगर हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो ये करंट अगर पी से एन तक एकदम ये लेयर छोटी होगी तो आपके पास आराम से चला जाएगा। तो इस बायस को फॉरवर्ड बायस कहते हैं, ठीक है। अगर करंट पहुंचने में पी टू एन पहुंचने में करंट को मुश्किल होती है, करंट पहुंच नहीं पाता, मतलब ये लेयर बड़ी होगी, इसकी ब्रिथ बड़ी होगी, इसकी ब्रिथ क्या होगी, ये बड़ी होगी, ब्रिथ बड़ी होगी, तो करंट यहां से यहां तक पहुंच नहीं पाएगा। इसको हम रिवर्स बायस बोलते हैं, इसको हम रिवर्स बायस बोलते हैं। इस प्रकार की बायसिंग को रिवर्स बायसिंग करते हैं। तो यहां पर जंक्शन बनाए पी और एन के बीच में जंक्शन बनाए, तो ये एक तरह का क्या है, ऑपरेशन है, ये एक तरह का क्या है, ऑपरेशन है आपके पास, एक तरह का क्या है ये आपके पास, ऑपरेशन, जिसके कारण आपके पास जंक्शन क्रिएट हुआ है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस, जिसके कारण अपने पास दो तरह की बायसिंग आई, फॉरवर्ड बायस, लेयर छोटी होगी तो करंट आराम से चला जाएगा, और लेयर बड़ी होगी तो करंट को जाने में मुश्किल होगी, पी टू एन तक फ्लो होने में करंट को मुश्किल होगी। तो ये आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग हो गई और ये आपके पास रिवर्स बायसिंग हो गई, तो ये एक तरह का ऑपरेशन है। वैसे ही आपके पास जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में एक तरह का ये क्या है, आपके पास ऑपरेशन है, जिसके द्वारा हम करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करते हैं। जे फैक्ट क्या होता है, करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करते हैं। जैसे ही हम इसे कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल के लिए अभी हम एक सिस्टम रेडी करते हैं, गेट बनाते हैं, आगे देखना वीडियो को कंप्लीट। तो एक गेट बनाते हैं, गेट का नोड बनाते हैं जिससे हम कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल है किस तरीके के करंट को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर करंट को कंट्रोल करते हैं, और करंट के मैग्नीट्यूड को जब कंट्रोल करते हैं, तो जो करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करेगा वो जंक्शन फील्ड ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। और मॉसफेट की बात अपन अगले लेक्चर में करेंगे। तो अगले टाइप में आगे बढ़ते हैं, अपन किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जिससे हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को अच्छी तरह समझ जाएं, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहां पर केवल और केवल करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करना है। जितने भी अपने पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनका कुछ ना कुछ काम होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ काम होता है। करंट के इसमें जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या होता है, करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे कंट्रोल करना, किसी भी तरीके से करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। अपन जो भी प्रोसेस अपनाएंगे उस प्रोसेस को हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के थ्रू पढ़ेंगे, जिसमें हम करंट के जो इफेक्ट है उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए इसके कितने टाइप होंगे, तो देखिएगा कितने टाइप होंगे इसके, कितने टाइप होंगे देखिएगा। तो आपके पास इसके दो टाइप और होंगे आगे जाके, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के दो टाइप होंगे। तो आपके पास क्या, कितने टाइप होंगे, दो टाइप होंगे, पी चैनल, ये आपके पास एन चैनल, ठीक, पी चैनल और एन चैनल इसके टाइप होंगे। फिर इसमें आगे बढ़े तो इसके टाइप का डिस्कशन कर लेते हैं। इसके दो टाइप होंगे आपके पास, तो पहला टाइप आपके पास होगा एनहेंसमेंट। सेकंड टाइप होगा आपके पास डिस्प्लिशन, ठीक है। आपके पास जो सेकंड टाइप होगा डिस्प्लिशन होगा, ठीक है, जो सेकंड टाइप होगा आपके पास डिस्प्लिशन होगा, जो लेयर होती है ना उस नाम से इसको रखा गया है, डिस्प्लिशन, ठीक है। ये स्पेलिंग होगी, थोड़ा स्पेलिंग चेक कर देता हूं, ठीक है, ये स्पेलिंग होगी डिस्प्लिशन। और इसके दो टाइप होंगे पी मॉस और एन मॉस,
एनमॉस, ठीक है। और इसके भी दो टाइप होंगे, इसके भी आपके पास दो टाइप होंगे, पीमोस एनमोस। पढ़ेंगे कैसे इसको वो देखना। अगर इसको पढ़ना है अपन को तो पी पी एनहेंसमेंट, पी एनहेंसमेंट मेटल डाइऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको पढ़ेंगे। एन एनहेंसमेंट मोस एफ ई टी, मोस को क्या पढ़ेंगे, मेटल सिलिकॉन डाइऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इस तरीके से इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। ये आप एक बार नोट करके चलोगे फिर आगे बढ़ते हैं, ये आप नोट करके चलोगे फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये नोट करके चलोगे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बढ़ते हैं, पी चैनल एन चैनल कौन से होंगे, क्योंकि आज के टॉपिक में अपन को क्या पढ़ना है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ना है। तो वो देखो किस तरीके से पढ़ते हैं, इतना नोट करके चलोगे फिर अपन जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिएगा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब मैं मिटोने जा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ किस तरीके से हम जे फैट पढ़ेंगे। तो आपके पास जे फैट, जे फैट, तो आपके पास जे फैट है, इसके दो टाइप होंगे, एन एन चैनल। अगर एन चैनल पढ़ लोगे तो पी चैनल भी अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे, अच्छे से आप, इसकी कॉपी है पी चैनल एन चैनल। एन चैनल क्या है, इसमें चैनल क्या है, कंडक्टिंग पाथ। चैनल क्या है आपके पास, कंडक्टिंग पाथ। ये पाथ प्रोवाइड करता है, पाथ प्रोवाइड करता है कि अपने पास ये कंडक्टिंग पाथ, यानी पाथ प्रोवाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए और करंट बहे, और करंट जैसे ही फ्लो होगा तो करंट के मैग्नीट्यूड को हम कंट्रोल कर पाएं, करंट के मैग्नीट्यूड को क्या कर पाएं, कंट्रोल कर पाएं, कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करता है। एन का मतलब क्या है यहाँ पर, एन का मतलब यहाँ पर है एन टाइप सेमी कंडक्टर, जिसमें कंडक्टिंग जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, जिससे हम करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर पाएंगे। ये एक आप एक्चुअल में आपके पास कितने टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है होल। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स मैं लिख देता हूँ एक बार, चार्ज कैरियर्स कितने प्रकार के होते हैं आपके पास, एक होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपके पास होल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और होल्स आपके पास क्या होता है, चार्ज कैरियर्स होता है, जिसके द्वारा हम कंडक्टिंग पाथ में इनको रखते हैं, और फिर कंडक्टिंग पाथ में इनको रखकर और यहाँ पर करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करते हैं। यानी ये यूँ कह दूँ मैं कि ये इलेक्ट्रॉन है कंडक्टिंग पाथ के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कंडक्टिंग पाथ के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रॉन की एक बात कर दूं, अलग से इलेक्ट्रॉन की बात कर दूं, ये एन चैनल में होते हैं। इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, एन चैनल में होते हैं। अगर मैं सिंपल बीजेटी की बात करूं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करूं, वो देखोगे उसको इससे कंपेयर करता हूं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को कंपेयर करता हूं। तो किस तरीके से कंपेयर करता हूं वो देखोगे, आपके पास क्या होगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये होगा पहला आपके पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है पी, ये एन और ये पी। दूसरा टाइप का बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होगा आपके पास, एन पी एन। ये दो प्रकार के आपके पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं, जिसके थ्रू हम वहां पर करंट फ्लो होता है उसकी स्टडी करते हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी यहां पर दो पोल होंगे जिसके थ्रू दो पोल का मतलब हम एन और पी दोनों ही मिक्सर काम में लेंगे, जिसके थ्रू जैसे पी एन पी है तो पी दो है, पी एन दोनों का मिक्सर काम में लेंगे, जिससे करंट के वहां पर मैग्नीट्यूड की चर्चा कर सकें जहां आपके पास कंडक्टिंग
कंडक्टिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, कंडक्टिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एनपीएन होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही यहां पर कंडक्टिंग सपोर्ट हैं वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और यहां पर केवल एन का मतलब है केवल एक ही यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएगा, क्या प्रोवाइड कर पाएगा, एक सपोर्ट आपके पास यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ही आपके पास क्या है सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ही कंडक्टिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उस टाइम होल्स कंडक्टिंग सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, होल्स जिस टाइम कंडक्टिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान दोगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी की हम स्टडी करते हैं तो इसमें कंडक्टिंग सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोवाइड करते हैं और होल्स भी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोवाइड करते हैं और होल्स भी प्रोवाइड करते हैं, परंतु यहां पर कंडक्टिंग सपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉन ही प्रोवाइड करेगा एक टाइम पे और एक टाइम पे होल ही प्रोवाइड करेगा, मतलब एक ही प्रोवाइड करेगा, तो ये आपके पास यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होगा, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होगा, ये आपके पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इतना नोट करके चलोगे, फिर आगे इसकी वर्किंग की बात करेंगे, तो किस तरीके से इसकी वर्किंग की बात करते हैं वो देखोगे, सब थ्योरी है, पूरे पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखोगे जब समझ में आएगी ये चीज़ें, ठीक है। वर्किंग की बात करते हैं, तो किस तरीके से वर्किंग की बात करते हैं इतना नोट करके चलिए, देखिएगा इसकी वर्किंग की किस तरीके से बात करते हैं वो देखिएगा, पूरा एकदम ध्यान लगाकर यहीं समझोगे जब आप इसकी वर्किंग की चर्चा कर पाओगे, ठीक है। अगर आप ध्यान नहीं लगाओगे तो नहीं समझ पाओगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो मैं इसकी वर्किंग की बात करता हूं, वर्किंग ऑफ फील्ड जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ठीक है। इसकी वर्किंग भी देखेंगे किस तरीके से इसकी वर्किंग समझेंगे, पहले केवल एन चैनल की बात करेंगे, पहला जो चैनल है अपने पास एन चैनल उसकी ही बात करेंगे, किस तरीके से बात करते हैं एन चैनल की वो देखोगे, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट ध्यान यहाँ पर होना चाहिए आपका, वर्किंग अपन अब पढ़ रहे हैं, इतने देर तो टाइप की बात कर रहे थे, टाइप कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो देखिएगा वर्किंग पे, एक मैं सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर लेता हूँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेता हूँ, तो ले लीजिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कितने इसमें एटम हैं, कितने पर्टिकुलर पर वॉल्यूम में कितने एटम्स इसमें मौजूद हैं या प्रेजेंट हैं उसकी बात अपन नहीं करेंगे, इसमें केवल और केवल इसमें वर्किंग की बात करेंगे। तो ये आपके पास जो बॉक्स अपन ने लिया है ये आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, यानी सिलिकॉन इंट्रिंसिक, इसमें किसी भी 100% शुद्ध प्योर है, ये सिलिकॉन क्या है आपके पास 100% प्योर है, ठीक है। अब आगे बात करें, देखिएगा इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है, यानी सिलिकॉन का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है तो इसमें डोपिंग करनी पड़ेगी, एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर बनाना है तो डोपिंग करनी पड़ेगी, डोपिंग किसकी करेंगे, डोनर एटम की, ये किसी से लेगा, ये एक कोई एटम लेगा डोनर एटम की, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, प्रीवियस 12th क्लास की चीजें हैं, डोनर एटम की यहां पर डोपिंग करनी पड़ेगी, तो डोपिंग किस तरीके से करेंगे डोनर एटम की वो तो बात अलग है, तो डोनर एटम की जैसे ही हम डोपिंग करते हैं तो एक आइडियल सिचुएशन में डोनर एटम की जो डोपिंग करते हैं वो फॉस्फोरस की करते हैं, ठीक है।
और एक्सेप्टर एटम की जो डोपिंग करते हैं अपन आइडियल सिचुएशन में मैक्सिमम मोस्टली हम करते हैं बोरोन की। तो यहाँ पर डोपिंग करेंगे अपन किसकी, फॉस्फोरस की डोपिंग कर देंगे। जैसे ही हम फॉस्फोरस की डोपिंग करेंगे, जैसे ही फॉस्फोरस की इसमें डोपिंग करेंगे, तो ये आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा उस समय हम फॉस्फोरस की डोपिंग कर रहे हैं। फॉस्फोरस की डोपिंग करने का मतलब फॉस्फोरस में आपके पास जैसे ही ये फॉस्फोरस है और इसमें जो आपके पास बैलेंस, जो आपके पास लास्ट वाली सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी हम डोपिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उसकी हम डोपिंग कर रहे हैं। तो देखिएगा ये अपन ने डोपिंग कर दी, ये इस तरफ चला जाएगा, ये इसमें सेट हो जाएगा, क्योंकि 4 इसमें हैं तो पांचवा सेट करना है, तो इसमें सेट कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से करते हैं, देखिएगा भाई किस तरीके से हम इसमें सेट करते हैं, ठीक है, देखिएगा भाई इसमें किस तरीके से सेट करते हैं, ठीक है। तो हम डोपिंग कर दिया है, इसमें क्या कर दिया अपन ने, डोपिंग कर दिया है। अब मैं कुछ सेम साइज की, सेम डेंसिटी की यहां पर दो बॉक्स से बना रहा हूं, देखिएगा इसमें अपन डोपिंग की है, तो पी प्लस कह रहा हूं इसको, मैं पी प्लस क्यों कह रहा हूं, इसमें मैंने डोपिंग कर दी है, एन टाइप सेमीकंडक्टर था पूरा, उसमें मैंने डोपिंग कर दी है। यहां पर एक बार और डोपिंग की है, वो अपन किस तरीके से करते हैं वो देखोगे, एक बार और डोपिंग कर दी है वो किस तरीके से करते हैं वो देखोगे, ठीक है। पी प्लस का मतलब क्या है यहां पर, डोपिंग करने का मतलब यहां पर, पी प्लस की डोपिंग करने का मतलब क्या है यहां पर, पी प्लस की डोपिंग करने का क्या मतलब है यहां पर, पी प्लस की डोपिंग का मतलब है आपके पास हैवी डोपिंग, यहां पर हैवी डोपिंग है। जैसे नॉर्मल डोपिंग होती है तो 1 atom in 10^8 सिलिकॉन में होती है नॉर्मल डोपिंग, नॉर्मल डोपिंग, ठीक है। और आपके पास जो डोपिंग होती है ज्यादा वाली डोपिंग किस तरीके से कहेंगे, 1 atom in 10^5 जो हम ज्यादा डोपिंग है पी प्लस बोल रहे हैं जिसे, वो होगी आपके पास कितनी होगी, 1 atom in 10^5 या आपके पास कौन सी डोपिंग होगी, हैवी डोपिंग, या आपके पास कौन सी डोपिंग होगी, हैवी डोपिंग होगी। जैसे हमने डोपिंग कर दी है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है, उस टाइम में एन टाइप में आपके पास क्या होगा, माइनॉरिटी किसकी होगी, होल्स की होगी। और अगेन मैंने डोपिंग की है जिसमें एक्स्ट्रा बॉक्स बनाकर, ये सेम साइज के हैं तो ये देखिए सेम साइज के कर दीजिए, तो इसमें जो माइनॉरिटी होगी किसकी होगी, माइनॉरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी, क्योंकि पॉजिटिव डोपिंग की है, तो यहां पर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होगी, यहां माइनॉरिटी होल्स की होगी, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी होगी, ठीक है। ये सिचुएशन रेडी हो चुकी है, इतना नोट करके चलोगे। अब इसको मैं कंपेयर करवाता हूं अपने, इसको समझ में तो आया नहीं होगा, फिर भी मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, एक कंसेप्ट से कंपेयर करवाता हूं। तो देखिएगा माइनॉरिटी यहां पर होल्स हो गई और यहां पर माइनॉरिटी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से आगे चलते हैं, इतना नोट करके चलिए साथ साथ में, बढ़िया ही टॉपिक है ये, वर्किंग समझेंगे अच्छी तरह इसकी। एक बार पेन में स्याही डाल देता हूं मैं, ठीक है, अपन ने स्याही डाल ली है, तो अब आगे चलते हैं। तो अपने पास क्या है यहां पर, हैवी डोपिंग कराने का क्या मीन है, यहां पर हैवी डोपिंग कराने का मीन है कि ये आपके पास
मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर होल्स हो जाएंगे, यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज है होल्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्या, कौन से हो जाएंगे कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे। अगर मैं इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने की कोशिश करूं तो करंट भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चला जाएगा, जिसे हमें करंट के मैग्नीट्यूड को क्या कर लेंगे अपन, क्या कर लेंगे अपन, कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, जो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे माइनर, और मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, होल्स हैं, तो इसमें क्या करेंगे ये हम किसी तरह इसकी ब्रिथ को बड़ा कर देंगे, इसकी ब्रिथ को बड़ा कर देंगे। ब्रिथ को बड़ा करने के लिए इसको रिवर्स बायस में जोड़ देंगे, इसको और इसको रिवर्स बायस में जोड़ देंगे। जैसे ही हम रिवर्स बायस में इसको जोड़ेंगे तो ये ब्रिथ आगे चली जाएगी, आगे चल जाएगी और पाथ छोटा हो जाएगा। जो भी यहाँ से अपन इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन इसको कनेक्टिंग वायर से जोड़कर इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, तो ये पाथ छोटा हो जाएगा और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, और जिससे करंट का मैग्नीट्यूड कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कंट्रोल हो जाएगा, नहीं तो ये ब्रिज छोटी थी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे और करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अपने को कंट्रोल करना है किसी तरह, ठीक है, कंट्रोल करना है अपने को, तो इस तरीके से डिवाइस हम रेडी करेंगे जिससे मैग्नीट्यूड करंट का कंट्रोल हो जाए। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, इतनी बात समझ में आ गई होगी, अब मैं आगे चलता हूँ। किसी तरीके से मैं इसको रिवर्स बायस करूँगा, किसी तरीके से ये चैनल है, ये चैनल है, इस चैनल जो कंडक्टिंग पाथ शो करता है इसको मैं पतला करूँगा और इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा, और मैं चार्ज कैरियर्स बोलिए, इलेक्ट्रॉन क्यों बोलिए, चार्ज कैरियर्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा और करंट का मैग्नीट्यूड कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ थोड़ी प्रीवियस क्लास की, थोड़ी सी जो अपन ने ट्वेल्थ क्लास में सीखा है उसकी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ये आपके पास क्या है, सिलिकॉन, ये कितने अपने एक्सटर्नल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, चार रखता है, तो ये ले लीजिए चार। ठीक है, और थोड़ा सा छोटा बनाएंगे जो पूरे बॉक्स से बन सकें। ठीक है, देखिएगा, ये आपके पास सिलिकॉन, ये चार इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये रख लिया भाई चार इलेक्ट्रॉन, ये नेक्स्ट सिलिकॉन, ये भी अपने पास चार रखेगा, ये चार रख लिया, और नीचे सिलिकॉन, ये भी चार रखेगा, ये एक यहाँ रख लिया, एक यहाँ रख लिया, एक यहाँ रख लिया, एक यहाँ रख लिया, और एक यहाँ रख लिया। ठीक है, ये भी आपके पास सिलिकॉन, ये भी चार रखेगा, यहाँ भी सिलिकॉन, ये भी चार रखेगा, यहाँ भी सिलिकॉन, ये भी चार रखेगा। ठीक, और यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ये ले लीजिए कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, ये कोवलेंट बॉन्ड अदर से बनाएगा, ये कोवलेंट बॉन्ड अदर से बनाएगा, ये कोवलेंट बॉन्ड अदर से, ये भी अदर से, ये भी अदर से, ये भी अदर से, ये कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, ये कोवलेंट बॉन्ड, ये अदर से, ये अदर से, ये अदर से, और ये अदर से। ठीक, इस तरीके से बनाएगा। ठीक, कोवलेंट बॉन्ड आपके पास बनेंगे इस तरीके से। अब मैं क्या कर दूं, इसको सिलिकॉन को मिटो के क्या लिख दूं, यहाँ पर फॉस्फोरस लगा दूं, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, और यहाँ पर मैं बोरोन लिख दूं, यहाँ पर क्या लिख दूं, मैं बोरोन लिख दूं, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बोरोन के, एक दो तीन, और एक वैकेंसी खाली बचेगी। ठीक है, एक वैकेंसी खाली बचेगी जिसे हम होल्स कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ तो यहाँ पर ये डिफ्यूज हो जाएगा, इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन करते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो गया,
डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस, इसे कौन सी प्रोसेस बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस इसे बोलेंगे, डिफ्यूज हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। उसी तरीके से ये P प्लस है, यहां पर माइनॉरिटी किसकी है, P प्लस में माइनॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी है, ठीक है, यहां पर किसकी माइनॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम है, होल ज्यादा है, होल ज्यादा है, तो जैसे डिफ्यूज हो जाएगा, यहां पर ये डिफ्यूज हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, ये डिफ्यूज हो जाएगा, तो ये आपके पास ये थर्ड ग्रुप का ये तो एलिमेंट होता है, ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होता है, जैसे ये डिफ्यूज हो जाएगा, ये आपके पास जैसे डिफ्यूज हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। उसी तरीके से इस कंडीशन को यहां पर अप्लाई करते हैं, इस कंडीशन को यहां पर अप्लाई करते हैं, जैसे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स ज्यादा है, यहां पर होल्स ज्यादा है, मेजोरिटी है होल्स की, और होल्स में एक इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर से, अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसकी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, इसकी सरफेस पे कौन से चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे इसकी सरफेस पे, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गए, ये आपके पास कौन से सरफेस पे, नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है। जैसे सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इसकी जो एन टाइप है इसकी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और ये एक तरह का क्या बन जाएगा, जंक्शन बन जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज, ये आपका जंक्शन बन गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, 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 ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये जंक्शन बन गया आपका, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये आपका जंक्शन बन गया, जितनी मात्रा में नेगेटिव चार्ज आयोन्स हैं उतनी मात्रा में आपके पास पॉजिटिव आयोन्स हैं, तो यहां पर आपके पास एक जंक्शन बन गया, और जंक्शन बनते ही देखना, थोड़ा सा अपन इसमें लिख देते हैं वापस से नेगेटिव चार्ज, देखिएगा किस तरीके से नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, तो ये नेगेटिव, ये आपकी लेयर, ये नेगेटिव, 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 ठीक है। यहाँ पर ये आपका जंक्शन बन गया, इतनी डिस्टेंस का क्या बन गया, जंक्शन बन गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जंक्शन बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर जंक्शन बन जाएगा आपका, ये आपका यहाँ पर जंक्शन बन गया, ये यहाँ पर जंक्शन बन गया, ये जंक्शन बन गया, ठीक है। इतना जितना डिस्टेंस का यहाँ बना है उतना ही डिस्टेंस का यहाँ पर जंक्शन बन गया, यहाँ पर भी उतना ही डिस्टेंस का जंक्शन बन गया, यहाँ भी उतना डिस्टेंस का जंक्शन बन गया जो जितनी डिस्टेंस का यहाँ पर बना है, तो ये देखिए जंक्शन बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जंक्शन बन तो गया है, जंक्शन बन तो गया है, परंतु यहाँ पर जंक्शन बन गया है, परंतु यहाँ पर जंक्शन बना है तो एक डायोड इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। डायोड इक्वेशन क्यों सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप ऐसा देखिए, ये आपका पी टाइप, ये एन टाइप, बीच में जंक्शन बना है, पी टाइप एन टाइप बीच में जंक्शन बना है, तो ये जंक्शन आपका जैसे डायोड में बनता है वैसे यहां पर बनाया, तो यहां पर डायोड इक्वेशन बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। यहां पर भी क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है, यहां पर भी क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है, यहां पर भी आपके पास रिकॉम्बिनेशन हुआ है, और रिकॉम्बिनेशन के थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ है, रिकॉम्बिनेशन के थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ है, तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, डायोड इक्वेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर भी रिकॉम्बिनेशन होता है, पीएन जंक्शन डायोड में भी रिकॉम्बिनेशन होता है, और वहां पर भी आपके पास क्या होती है, डायोड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, डायोड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर भी वही अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर जो आपके पास कंडीशन आई है, यहाँ जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई है, वो कंडीशन यहाँ ध्यान रखना बिना बायसिंग आई है, नो बायसिंग कंडीशन। ठीक है, अब जो इक्विलिब्रियम पैदा हुआ है यहाँ पर, नो बायसिंग कंडीशन के कारण पैदा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख के चलूँगा, मिटा देता हूँ मैं ये सब, देखिएगा नोट कर लिया हो तो, मिटाता हूँ मैं इसको सबको। ठीक है, देखिएगा ठीक है, एक बार इसको नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिएगा इसको। ठीक है, डायग्राम को नोट कीजिएगा, आगे चलें भाई। अब देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो देखिए एक बार देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं वो देखिएगा। तो अब हम बढ़ रहे हैं, तो देखिए किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो बना है कुछ इस तरीके से डायग्राम बना है, या कुछ इस तरीके से डायग्राम बना है, ये मेन पोजीशन एक्स, ये आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक्स एन नोट, यहाँ पर एक्स माइनस एक्स पी नोट, पी नॉट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्या ज़्यादा होगा, यहाँ पर क्या ज़्यादा होगा ये देखिएगा, यहाँ पर आपके पास क्या ज़्यादा होगा, होल्स ज़्यादा होंगे, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, होल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ पर होल्स ज़्यादा होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ पर होल्स ज़्यादा होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पी में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, पी में होल्स ज़्यादा होंगे, इसमें एन में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये आपके पास क्या बनेगा, ये देखिएगा ये क्या कैसे बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका एक्सेप्टर बनेगा, एन ए नेगेटिव, यहाँ पर एन ए एन डी डोनर पॉजिटिव, ये डोनर बनेगा, ये एक्सेप्टर बनेगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब देखिएगा ये डोनर बनेगा, ये एक्सेप्टर बनेगा, तो अपन एक इक्वेशन लिखते हैं डायोड से, एन डी पॉजिटिव एक्स एन नोट इक्वल टू एन ए नेगेटिव एक्स पी नोट। इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन में अपन क्या कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है, डायोड के चैप्टर से डायोड इक्वेशन, डायोड इक्वेशन। ठीक, डायोड के चैप्टर से ही आपके पास डायोड इक्वेशन। ठीक, ये आपके पास क्या है, डायोड के चैप्टर से डायोड इक्वेशन। ठीक, ये आपके डायोड के चैप्टर से डायोड इक्वेशन है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहां पर हुई है। ठीक है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहां पर हुई है। नेगेटिव आपके पास क्या है, नेगेटिव, कुछ इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर हुई है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पर जंक्शन बना है, ये जो ये आपके पास होगा रिकॉम्बिनेशन होने के बाद जो इक्वेशन बनेगी, आपके पास इक्विलिब्रियम बनेगा, ये इक्विलिब्रियम बनेगा, जो आपके पास इक्विलिब्रियम बनेगा, इक्विलिब्रियम बनेगा, नो बायसिंग बनेगा, नो बायसिंग कंडीशन का इक्विलिब्रियम बनेगा, नो बायसिंग कंडीशन का इक्विलिब्रियम बनेगा। यहाँ पर विदाउट बायसिंग मतलब कोई बैटरी, विदाउट बैटरी, विदाउट बैटरी का ये आपके पास क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम बनेगा, विदाउट बैटरी का आपके पास क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम बनेगा, एन ए एक्सेप्टर एन डी डोनर। ठीक है, नेगेटिव, अब समझोगे किस तरीके से अपन समझ रहे हैं इसको। ठीक है, किस तरीके से हम समझ रहे हैं वो देखोगे, तो देखिएगा किस तरीके से अब समझेंगे वो देखिए। ये आपके पास लेयर है एक्स से, ये मिड पॉइंट है एक्स से पी नोट, ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है,
जो इससे कंबाइंड होकर एक्स एन नॉट, जैसे पीएन डायोड में होता है, पीएन जंक्शन डायोड में होता है, जिसमें एक्स ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये दो मिलकर न्यूट्रल बना रहे हैं, ये आपके पास क्या बन रहा है, जंक्शन बन रहा है। जैसे ही मैं एन डी ये बढ़ाऊंगा, इसकी मात्रा बढ़ाऊंगा, इसकी मात्रा बढ़ाऊंगा, तो इस इक्वेशन को बराबर होने के लिए इसकी मात्रा कम होनी चाहिए, इसकी मात्रा कम होनी चाहिए। वैसे ही मैं यहां पर बढ़ाऊंगा, इसकी मात्रा को बढ़ाऊंगा, इसकी मात्रा कम होनी चाहिए। ठीक है, एक इक्वेशन ले लेते हैं अपन, इसकी मात्रा को बढ़ाते हैं, इसकी मात्रा कम हो जाएगी अपने आप। तो इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, एक्सेप्टर की मात्रा आप बढ़ा दीजिए, एक्सेप्टर की जैसी मात्रा बढ़ाओगे ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, और जैसे ही कम होगी तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगी। जैसे ही आपके पास कम होगी ये मान लीजिए नेग्लिजिबल हो जाएगी, या होगी नहीं, नेग्लिजिबल हो जाएगी या होगी नहीं, तो इसमें से नेगेटिव वाला हटा दीजिए, ये नेग्लिजिबल हो गई, होगी नहीं, ये आपके पास क्या होगी, नेग्लिजिबल या होगी नहीं। तो जंक्शन आपका बदल गया, क्योंकि मैंने इसमें किसकी मात्रा बढ़ा दी है, एक्सेप्टर एटम की मात्रा बढ़ा दी है, तो आपके पास ये सिचुएशन बन जाएगी। ये सिचुएशन बन जाएगी, यहां से अपन ने हटा दिया है P प्लस P माइनस P प्लस। ठीक, ये सिचुएशन अपन ने बना ली, ये हटा दिया है, नेगेटिव चार्ज हटा दिए, क्योंकि ये लेयर कम हो जाएगी। लेयर कम होने का मतलब ये डिस्टेंस है आपके पास कितनी है, एक्स पी नोट, ये कम हो जाएगी, और टोटल डिस्टेंस आपके पास ये डब्लू है, डब्लू मतलब डब्लू इक्वल टू एक्स एक्स पी नोट माइनस का एक्स पी नोट प्लस एक्स एन नोट, ये डब्लू डिस्टेंस है, वो आपके पास टोटल डिस्टेंस है जंक्शन की उस तरीके से। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन हुआ है, ये नेगेटिव जो आयोन्स है, ये आपके पास नेगेटिव आयोन्स है, ये आपके पास पॉजिटिव आयोन्स है। ठीक, ये आपके पास नेगेटिव आयोन्स है, ये पॉजिटिव आयोन्स है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हट जाएगी, अब ये पर्टिकुलर पूरा ही पोर्शन, पूरा ही इतना जंक्शन है पॉजिटिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अपन ने एक्सेप्टर एटम की मात्रा बढ़ा के चले हैं। ठीक, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं कहा था ना, बहुत ही थ्योरिटिकल पार्ट है ये, बहुत ही आपके पास क्या है, थ्योरिटिकल पार्ट है। मैं कंप्लीट ही मिटोके फिर बनाता हूं, नोट कर लीजिए, पूरा ही थ्योरिटिकल है, मैंने कहा था ना पूरा ही थ्योरिटिकल है। यहां पर क्या था, एन ए नेगेटिव और एन डी पॉजिटिव। मैंने कहा था ना पूरा ही थ्योरिटिकल पार्ट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पूरा ही आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इतना नोट कीजिए, इसकी तो जरूरत पड़ेगी अपन को, इसकी तो क्या पड़ेगी, ठीक है, जरूरत पड़ेगी। तो अपन ने जो इक्वेशन लिखी थी, क्या इक्वेशन लिखी थी, मैं दोबारा बताता हूं, एनडी एक इक्वेशन लिखी थी ना आपने, दोबारा बताता हूं, एनडी पॉजिटिव एक्स एन नॉट, और एन ए नेगेटिव पी एक्स एक्स पी नोट, ये इक्वेशन लिखी थी, दोबारा चेक कीजिएगा। ये अपन ने क्या लिखी थी, इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, ये अपन ने क्या लिखी थी, इक्वेशन लिखी थी, और इस इक्वेशन में अपन क्या कर रहे हैं, ये आपके पास क्या आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ आयोन्स पॉजिटिव आयोन्स होगी आपके पास यहां पर आपके पास कंसंट्रेशन होगी आयोन्स की, वो कौन से आयोन्स होंगे, नेगेटिव आयोन्स होंगे, जिसकी आपके पास कंसंट्रेशन होगी। ठीक, ये आपके पास आयोन्स की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, आयोन्स की क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी,
वो आपके पास ये होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा अब आगे क्या करते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर देखिएगा आगे क्या करते हैं। सभी को मिटा देता हूँ। पूरा ही मिटा देता हूँ। तो देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक बार देखना। ठीक है, अब आगे देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा ये आपका क्या था, पी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पी पॉजिटिव, ये भी पी पॉजिटिव, और ये जंक्शन बना था, ये आपके पास जंक्शन बना था, इसको भी ये आपके पास जंक्शन बना था, ये पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव से शो कर देता हूँ, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से शो कर देता हूँ, ठीक है, कंप्लीट आज कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा परंतु कंप्लीट कर लेंगे अपन, 15-20 मिनट और लगेंगे परंतु इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक कनेक्टिंग वायर लगा रहा हूँ, और कनेक्टिंग वायर लगाकर ये आपके पास बना रहा हूँ, सोर्स होगा, ये क्या होगा, सोर्स एस, और यहाँ पर कनेक्टिंग वायर लगा रहा हूँ, यहाँ पर कनेक्टिंग वायर लगाया तो ये आपके पास क्या होगा, सोर्स हो गया, ये ड्रेन हो जाएगा, DRAIN, डी से शो करेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, इसे डी से शो करेंगे। ठीक है, ये आपके पास ड्रेन हो जाएगा, और यहां अपन बनाते हैं, ये आपके पास गेट हो जाएगा, जी से शो करेंगे। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है, ये केवल कंट्रोल करता है। ठीक है, ये सोर्स से अगर करंट जाएगा तो IS जाएगा, और ड्रेन में ये जो भी करंट आता है उसे स्टोर करता है ID। ठीक है, ये आपके पास ID करंट हो गया, ये गेट हो गया, ये तीन अपन ने वायर लगा दिए। ठीक है, समझ गए। अब मैं थोड़ा सा कंसेप्ट अलग से समझा देता हूँ, ये आपका क्या है, स्टोर, जो आपका सोर्स है, सोर्स से ड्रेन की तरफ करंट करंट जा रहा है, तो ये सोर्स मान लीजिए अपना, करंट को मान लीजिए ये आपका पानी है, करंट को मान लीजिए एक पानी है, एक रूप, एक समझाने का जो फॉर्मेट है वो मैं बता रहा हूँ, ये मान लीजिए पानी है। ठीक है, और यहाँ से आपके पास पानी है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, पानी मान लीजिए या इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, चलो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और ये अपना टैब है, टैप कह दीजिए, या कंट्रोल करता है, ये पानी कितना आएगा इसमें से, टैंक में से, ये आपके पास टैंक है, कंट्रोल करता है ये पानी को, क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसमें जो हम इसको इस पानी को स्टोर करने के लिए रखते हैं वो मान लीजिए ड्रेन हो गया, ये डी, और ये स्टोर हो गया, सोर्स हो गया। ठीक है, ये आपके पास सोर्स हो गया एस, ये ड्रेन डी हो गया, जहाँ आपके पास पानी या जो भी इलेक्ट्रॉन ले रहे हो वो स्टोर होंगे, और ये टैब हो गया, कंट्रोल करता है, ये आपके पास गेट हो गया, गेट के थ्रू काम करेगा, कुछ इस तरीके से गेट करेगा, ये कंट्रोल करेगा, ये स्टोर करेगा, ये टैंक में से पानी आएगा। ठीक है, या मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, अपनी पोजिशन चेंज कर रहे हैं, कभी यहाँ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कभी यहाँ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन,
तो आपके पास पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो करंट फ्लो हो रहा है, करंट को हम कंट्रोल किससे करेंगे, गेट यानी टैब कंट्रोल करेंगे। तो ये सिस्टम याद रखना आप, जिससे इस डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब आगे चलते हैं किस तरीके से हैंडल करते हैं। ठीक, अब ये आपके पास क्या हो गया, ड्रेन हो गया, सोर्स हो गया, गेट हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहां पर इसको डायरेक्ट इससे मिला देते हैं। P+ दोनों अपन कंपार्टमेंट बनाए हैं, P+ इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, इनको ज्वाइंट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों एक से हैं तो इनको ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो किस तरीके से इसे हैंडल करते हैं वो देखिएगा। ठीक है, अब इसको इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, ये आपके पास जो वोल्टेज हो गया वो कौन सा वोल्टेज हो गया, VDS, क्योंकि S की तरफ जा रहा है तो VDS। ये हायर वोल्टेज होगा और ये लोअर, ये हायर वोल्टेज होगा, ये लोअर वोल्टेज होगा, तो लोअर वोल्टेज होगा तो इसे अपन ग्राउंडेड कर देंगे, लोअर वोल्टेज होगा तो इसे हम ग्राउंडेड कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास 0 वोल्ट हो गया तो ये आपके पास हायर वोल्टेज होगा, ये मान लीजिए 10 वोल्ट हो गया, ये हायर वोल्टेज हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया, ये लोअर वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये आपके पास गेट है ही, गेट जिसे बोल रहे हैं जी, और इसको हम, इससे कॉमन है ये आपके पास कॉमन है, ये कॉमन टर्मिनल है, कॉमन टर्मिनल है गेट का और इसको कंपार्टमेंट को जोड़ने का। ठीक है, ये कॉमन टर्मिनल है तो इसे मिला देते हैं इसे। ठीक है, और यहाँ मिलाते हैं तो यहाँ पर एक बैटरी लगाते हैं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो इसको भी नेगेटिव कर दीजिए, इसको पॉजिटिव कर दीजिए, ये मिला दीजिए, ये डायग्राम बनाइए, फिर मैं समझाता हूँ क्या क्या प्रोसेस हुई है, क्या क्या इसमें प्रोसेस हुई है वो समझाता हूँ। तो ये गेट हो गया, गेट को किससे जोड़ा है, गेट को किससे जोड़ा है, गेट को जोड़ा है अपन ने किससे जोड़ा है, सोर्स से जोड़ा है, तो गेट को सोर्स से जोड़ा है, तो ये वोल्टेज क्या हो गया, गेट को सोर्स से जोड़ा है। ठीक है, ये लोअर वोल्टेज होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ऊपर है, पॉजिटिव नीचे है, तो ये नेगेटिव 5 वोल्ट 10 वोल्ट ये होगा और 0 वोल्ट होगा, ये लोअर होगा वोल्टेज, ग्राउंडेड वोल्टेज से क्या होगा, लोअर होगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास ड्रेन करंट और सोर्स करंट इक्वल होंगे, ड्रेन करंट और सोर्स करंट इसमें इक्वल होंगे, तो कंपार्टमेंट अपन ने जो बांटे हैं, एक बार पॉजिटिव तो अपन को पता चल गया, ये कंपार्टमेंट आपके पास क्या है, पॉजिटिव कंपार्टमेंट है, ये तो अपन को पता चल गया, ये आपके पास पॉजिटिव कंपार्टमेंट है, तो पॉजिटिव लिखने की अब आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव लिखने की अब आवश्यकता नहीं है, कंपार्टमेंट पता चल गया, ये पॉजिटिव ही रहने हैं, तो इसको ऐसे ही बना दीजिए डायरेक्ट, और ये भी पॉजिटिव रहना है कंपार्टमेंट, इसको भी आप डायरेक्ट बना दीजिए। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव कंपार्टमेंट हो गए, जीरो वोल्ट। ठीक है, ठीक है, अब अपन बात कर रहे थे कि आपके पास जो करंट है, जो सोर्स करंट है वो इसके बराबर होगी, जब आपको कंट्रोल करने में, जो कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है, करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया आपके पास, ये कौन सा कंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही IS ID बराबर है तो मैं गेट करंट को जो जीरो है वो कर देता हूँ,
जैसे ही मैं गेट करंट को जीरो करने का मीन क्या होगा वो समझोगे। गेट करंट को मैंने इसको सबसे पहले रिवर्स बायस में लगाया है, नेगेटिव इस पॉजिटिव, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव डिपार्टमेंट है, ये नेगेटिव है, तो यहां पर रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस हो जाएगा तो तुरंत ही आपके पास क्या है, ये लेयर है, डिस्प्लेसन लेयर है, ये आगे बढ़ेगी, ये आगे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को बहुत कम रास्ता मिलेगा जाने के लिए, जो आपका कंडक्टिंग पाथ है उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए कम रास्ता मिलेगा, यही हम चाहते हैं। तो इस बैटरी को यहां पर जोड़ने का क्या मीन हुआ, केवल गेट सोर्स की नेगेटिव, इसको बैटरी को जोड़ने का केवल यही मैन है कि अपन रिवर्स बायस करना चाहते हैं, यहां पर रिवर्स बायस करना चाहते हैं, यहां पर गेट करंट जीरो होगा। गेट चाहे या इस तरफ बनाओ, जीरो करंट है किस तरफ भी बना लो आप, गेट करंट जीरो होगा। और जैसे ही गेट करंट जीरो हो जाएगा आपके पास, मैं सबसे पहले यहां पर गेट करंट जीरो हो जाएगा तो इनिशियल जो आपके पास रेजिस्टेंस है या इंपीडेंस है उसको इनफाइनाइट कर दूंगा। जैसे इनफाइनाइट कर दूंगा, यहां जो इंपीडेंस लगाऊंगा उसको इनफाइनाइट कर दूंगा, और जिससे गेट करंट जीरो हो जाएगा और आई एस और आई डी बराबर हो जाएगा। आई एस आई डी बराबर हो जाएगा मतलब जो यहां से करंट जाएगा वो अपन को ड्रेन करंट ही मिलने वाला है। ये मैं चलूंगा जिससे मैग्नीट्यूड में सेम कर पाऊंगा, क्योंकि ये दोनों करंट बराबर नहीं हो पाएंगे, तो मैं करंट जो आप करंट के मैग्नीट्यूड है, जो मेन मोटिव है करंट के मैग्नीट्यूड को बराबर करना, वो अपना नहीं रह हो पाएगा। तो इन दोनों को मैं मैग्नीट्यूड को बराबर करूंगा, सोर्स करंट के मैग्नीट्यूड को और ड्रेन करंट के मैग्नीट्यूड को यहां पर बराबर करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, और इनफाइनाइट करूंगा इनिशियल वोल्ट जो इंपीडेंस है उन उसको इनफाइनाइट करूंगा, जिससे आपको क्या मिलेगा, आईजी जो गेट करंट है वो जीरो मिलेगा, ठीक है। और अपने पास जैसे ही ये जीरो मिलेगा, जैसे ही ये जीरो मिलेगा तो यहां पर रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा तो ये लेयर बड़ी, ये लेयर हो जाएगी बड़ी हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, तो आपके पास जो चार्ज कैरियर्स है वो जाने में क्या होंगे, जाने में यहाँ आसानी मिल, कंडक्टिंग पाथ छोटा हो जाएगा, और जिससे मैग्नीट्यूड अपन करंट का मैग्नीट्यूड क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपना रिवर्स बायस का सीधा असर किस पे पड़ रहा है, ड्रेन करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करने में पड़ रहा है। यानी मैं जो यहाँ पर वोल्टेज या रेजिस्टेंस लगाऊंगा, जो रेजिस्टेंस या इंपीडेंस लगाऊंगा, इनिशियल रेजिस्टेंस लगाऊंगा, वो आपके पास क्या होगा, सीधा असर किस पे डाल रहा है, ड्रेन करंट पे डाल रहा है, जिसके मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा है, मोटा मोटी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना पूरा डायग्राम प्रोसेस हुई, पूरे एन चैनल की पूरी अपने पास प्रोसेस हुई, ठीक है। नेक्स्ट में मोसफेट की बात करेंगे, पी चैनल की भी प्रोसेस ऐसी होगी, यहां पी, यहां एन प्लस, यहां एन प्लस, यहां पी आ जाएगा, पी आ जाएगा, यहां पर पी आ जाएगा, यहां रिवर्स बायस था, अपने पास क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। सारी चीजें वही हैं, सारी चीजें वही हैं, और मैग्नीट्यूड इसको इनफाइनाइट नहीं करेंगे, इसको फाइनाइट कर देंगे, सारी चीजें वही हैं। मोटा मोटी अपन को क्या करना है, पी चैनल में भी ऐसा ही काम करना है, और ड्रेन करंट को क्या करना है, अपन को मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करना है। और मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करने का, मैग्नीट्यूड को कंट्रोल किया तो इसके लिए कौन सी वजह बचेगी, मैं दोबारा से बता देता हूँ। चार्ज कैरियर जो है, इलेक्ट्रॉन हो चाहे आपके पास पी चैनल हो, अब मोटा मोटी स्टैंडर्ड बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन हो चाहे आपके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो चाहे आपके पास होल्स हो, उसको कंडक्टिंग पाथ छोटा मिलना चाहिए, और छोटा किससे मिलेगा, ये रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस कैसे होगा, ये इनिशियल करंट इनफाइनाइट होगा। इनिशियल करंट इनफाइनाइट किस तरीके से होगा, अपन गेट करंट को जीरो ले लेंगे, और गेट करंट को जीरो ले लेंगे तो मोटा मोटी थोड़ा सा आपके पास अल्प मात्रा में या थोड़ा सा सेचुरेशन करंट होगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा सेचुरेशन करंट होगा, करंट में थोड़ा सा सेचुरेशन करंट होगा, क्योंकि वोल्टेज लग गया है तो थोड़ा सा सेचुरेशन करंट होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना अपने पास है, जैसे इनफाइनाइट का सीधा असर किस पे पड़ा, ड्रेन करंट पे पड़ा, ये अपन को मोटा मोटी चीजें याद रखनी है, ठीक है। इस तरीके से ये क्लास को मैं समाप्त करता हूँ, जे फेट की क्लास अपनी कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट अपन मोसफेट की क्लास लेंगे, तो मोसफेट की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास होगी वो भी इंजॉय कीजिए, इसको भी इंजॉय कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो सबसे जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो आपके पास टॉपिक है थ्योरेटिकल टॉपिक है वो नहीं पढ़ पाते हैं, वो पढ़े, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक है, जितनी ज़्यादा शेयर करोगे उतना आप उतना सब पढ़ पाएंगे, तो ठीक है। तो ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।
जो अपन इसमें पढ़ रहे थे कि अपन को ड्रेन करंट पे एक बार फिर से समझ लीजिए, जो अपन पढ़ रहे थे कि इसमें करंट आना चाहिए कहाँ से, ड्रेन करंट के पास करंट आएगा जब ही तो यहाँ से करंट जाएगा और ड्रेन करंट के पास करंट आएगा जब ही तो मैग्नीट्यूड कंट्रोल कर पाएंगे, तो थोड़ा करंट की डायरेक्शन को चेंज कर लीजिए। ठीक है, ये अपन मोटा मोटी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये अपन डायरेक्शन उल्टी ले ली थी, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। तो अपन ये करंट की डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, जब ही तो अपन ड्रेन करंट के पास पहुंच पाएंगे। ठीक है, जो ड्रेन टर्मिनल है उसके पास पहुंच पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।